वहीं कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायलों को 50,000 का चेक सौंपा है और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं। में एक भीषण हादसा हुआ ट्रक और बस के बीच, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। मंत्री जी कुछ लोगों को सहायता वितरित करने आए जो घायल हैं। मंत्री जी कितने घायलों को आपने सहायता राशि वितरित की है? लगभग 27 यात्री घायल हैं जिनका इलाज हो रहा है। कुछ यहाँ हैं, कुछ त्रिभा मेडिकल कॉलेज में हैं। सबको 50,000 रुपए की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई? कई लोगों की, 10 लोगों की पुष्टि हुई है अभी तक। कितने लोग बस में सवार थे, कुछ डीएम की तरफ से बताया गया? 45 लोग बताए जा रहे हैं बस में सवार थे, जिनमें 27 लोग हॉस्पिटल में हैं, 10 लोग का निधन हो गया है, और कुछ लोग जो घायल नहीं थे वो चले गए। कुछ लोगों को अभी लापता की खबर है या परिवारजन आएंगे या ऐसी कोई स्थिति होगी तो उनके बारे में जाँच हो रही है। अब मृतक परिवारजनों को भी कोई आर्थिक सहायता अभी देने की तैयारी? 2 लाख रुपया मृतक परिवार को 2 लाख रुपए सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। ये दुर्घटना हुई, कुछ कारण पता चल पाया किस कारण से? अब ये ड्राइवरों की चूक के कारण हुई है। ट्रक और बस में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बस में आग लग गई, जिसके कारण ये दुखद घटना हुई है। ये थे हमारे साथ मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, जो अभी सरसैया हॉस्पिटल में आए हैं। जो घायल हैं 27, उनको जो है पीड़ितों को 50,000 के सहायता राहत का चेक सौंपा है। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, सरसैया हॉस्पिटल, कन्नौज।